सबसे पहले तो फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो मैं सिंपली कोडिंग करता था अपना। उसके बाद कोडिंग के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कभी कभी कि यार कोडिंग के ऊपर भी चीज़ें होती हैं। कोडिंग अपन कर लेते हैं वो ठीक है, लेकिन कोडिंग क्यों कर रहे हैं? जैसे अपन कोडिंग करते हैं कंपाइलर पे, है ना, तो अपन को पता है अपन को एरर्स आती हैं, लेकिन वो एरर्स क्यों आ रही हैं, है ना यार, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट सेकंड ईयर में मैं कोडिंग करता था, मुझे लगता था कि यार ठीक है यार कंपाइलर्स पे एरर आ रही है, थोड़ा लगता था मन को कि यार क्यों आ रही है ऐसे, कंपाइलर ऐसे कैसे डिटेक्ट कर रहा है ना। उसके बाद अपन ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, अपन देख रहे हैं यार कि यार सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं। अपन लाइनक्स पे करते हैं तो देखते हैं कि कुछ सबको अपन खुद करना पड़ रहा है, वहीं अपन विंडोज़ पे आते हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं, क्यों हो रही हैं ऐसा, है ना। रैम 4 GB है तो 6 GB गेम स्मूथ क्यों चल रहा है, 4 पे क्यों नहीं चल रहा है? तो ये सब जो अंदर की चीज़ें हैं, ठीक है, वो मेरे को जानने का बहुत मन किया हमेशा। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे फर्स्ट सेकंड ईयर में तो अपन एक एक दिन पहले ही पढ़ते हैं, है ना, तो ये चीज़ें पढ़ते तो हैं अपन, लेकिन ऐसे पढ़ते हैं कि सब अपना एग्ज़ाम निकल जाए ना। बट मैंने कहा कि यार देखो, मेरे को इंटरेस्ट तो आता था, वो एक दिन भी पढ़ता था उसमें को इंटरेस्ट आता था यार, देखे तो यार कि यार इंटरेस्ट आ गया, अब मन करता था पढ़ने का। तो थर्ड ईयर मैंने डिसाइड किया कि अपन कोडिंग को छोड़ते हैं अभी तो, कोडिंग तो है बट, है ना, अपन इन चीज़ों पर फोकस करते हैं, जो हार्डवेयर पार्ट है, जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है अपने पूरे CS का, कि यार रैम किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है, अपना कंप्यूटर किस तरीके से इंटरनली इम्प्लीमेंट होता है ना, तो उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और जैसे अपन ने थर्ड ईयर में सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया, तो पहले था यार कि यार थोड़ा रहता है कि कोचिंग तो थोड़ा ज़रूरी है यार, क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, तो अपन ने कहा यार कि यार कोचिंग लगा लेते हैं, तो ज़रूरत थी नहीं इतनी, जैसे मैं रिकमेंड नहीं करता कभी किसी को कोचिंग, बट स्टिल मैंने कहा कि यार एक कोचिंग अपन लगा लेते हैं। मैंने सर्च किया कि यार कौन सी कोचिंग लगानी चाहिए, है ना। तो अब इंदौर की बात करेंगे अपन तो यार एक ही कोचिंग है अब, है ना, अच्छी खासी गेटेड सी। उसके बाद अपन ने ऐसे कोच स्टार्टिंग करी, थर्ड ईयर में सिंपली अपन से कोडिंग करते थे, और सिर्फ ऐसा रहता था कि कॉलेज के बाद जो मेरे को 2 घंटे बचते थे, मेरी क्लास रहती थी 6 से 8, तो 6 से 8 में, है ना, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा, जो लेक्चर अटेंड करता था मैम का वो अच्छे से कर लेता था बस। थर्ड ईयर में मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा है गेट का, ये है ना, अपन ने सिर्फ दिन के 2 घंटे दिए, तो भी जो लेक्चर दे रहे हैं अपन, तो वो अपन ने किया, और बाकी अपन कोडिंग कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, घूम रहे हैं ना। सिंपल ऐसा नहीं कि यार दिन में, है ना, 12-12, 13-13 घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं, थोड़ा बहुत जब मन किया था अपन ने कोडिंग कर ली, और ये 2 घंटे अपने फिक्स कर लिया अपन ने कि भाई कॉलेज के बाद सिंपल, वो भी रोज़ नहीं रहती थी हमारी, आई थिंक हफ्ते में शायद 3 या 4 दिन रहती थी क्लास, तो एक तरीके से नॉर्मली इतनी ज़िंदगी है ना, ऐसा नहीं था कि यार बहुत ज़्यादा लोड है यार, सिंपल 2 घंटे गेट का पढ़ा अपन ने, 3-4 घंटे अपन ने कोडिंग करी, और बाकी टाइम काफ़ी टाइम बच रहा है अपने पास, है ना, मज़े करे कॉलेज में। ऐसे करते 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 थर्ड ईयर निकल गया अपना, और फिर आ गया अपना कोविड। कोविड आने के बाद टाइम भी बहुत कम बचा था, है ना, क्योंकि जब मुझे याद है कि एटलीस्ट सेप्टेम्बर और अगस्त में ऐसा था कि मुझे फिर फील हुआ कि, है ना, अब थोड़ा अपन को कोडिंग छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि लोड बढ़ रहा था, है ना, लोड बढ़ रहा था, गेट की पढ़ाई थोड़ी बढ़ रही थी, है ना, क्योंकि अब टेस्ट देना शुरू कर रहे थे बच्चे, अपनी रैंक बहुत नीचे आ रही थी, अपन को लग रहा था यार कि छोड़ना पड़ेगा, अब कोडिंग नहीं कर सकते अपन, क्योंकि अपन इस टाइप के इंसान नहीं है कि यार दिन में अपन 12 घंटे पढ़े 13 घंटे पढ़े, अपन का वही है दिन में 4 से 5 घंटे मैक्स टू मैक्स। तो अपन ने लास्ट के 7-8 महीने में छोड़ दिया, कोडिंग क्विट कर दी, और वहाँ से मैंने सिर्फ गेट पर फोकस किया, और गेट पे फोकस भी किया। प्लस मैं एक चीज़ हमेशा बोलना चाहूँगा कि यार देखो, जैसे लोगों को लगता होगा कि, है ना, अपन ने सिर्फ 6 महीने तैयारी करी है ना, वो भी 4-5 घंटे, तो कैसे निकल रहा है इसका गेट का एग्ज़ाम? बट एक्चुअली यार ये पूरी कंसिस्टेंसी पे बेस्ड रहता है। जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर से कोडिंग कर रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो पहले दूसरे ईयर में मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग में काउंट होंगे, है ना, उसके थर्ड ईयर में नोट्स बनाए। अब ऐसा अब लगेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा रिग्रेस पढ़ाई कर रहा है, लेकिन नहीं, ये सारी कैलकुलेटेड चीज़ें रहती हैं, है ना। फर्स्ट सेकेंड ईयर अपन ने सिंपल बेसिक्स किए गए प्रॉब्लम सॉल्विंग के, सी प्रोग्रामिंग, है ना, उसके बेसिक्स, एरेज एंड पॉइंटर्स, ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद थर्ड ईयर में अपन ने नोट्स बनाए, है ना, सिस्टम का जो हार्डवेयर होता है वो अपन ने समझा। तो फाइनल ईयर में एक तरीके से अपन कह सकते हैं आखिरी के 6-7 महीने में अपन ने क्वेश्चन लगा दिए। तो चीज़ें कितनी सिंपल है ना, उसी को अपन बोलते हैं कि गेट इतना कठिन। अपन बोलते हैं कि यार लोगों को 12-12 घंटे, कुछ लोग बोलते हैं कि, है ना, अपनी स्टोरियाँ बोलते हैं मैंने 12-12 घंटे पढ़ाई करी, मैं 4-4 घंटे सोता था दिन में, और मैं ये करता था, तो ज़रूरत है क्या आपको पता? ज़रूरत है क्या? नहीं है ना। अपन सिंपली 4 घंटे पढ़ के भी रोज़ रोज़ पढ़ना है, ऐसा नहीं कि अपन, है ना, 1 महीने छुट्टी ली अपन ने, है ना, पढ़ना रोज़ है। आप 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, दैट्स इट। ऐसे 2 घंटे पढ़ता थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में जब 6-7 महीने बचे तो 4 घंटे, 4 से 5, दैट्स द मैक्स आई कैन से।
और बाकी अपने सारे हॉबी अपनी पूरी कर रहे हैं। अपन को क्रिकेट देखना है, अपन क्रिकेट देख रहे हैं, अपन आईपीएल देख रहे हैं, अपन फुटबॉल देख रहे हैं, अपनी टीम आ रही है तो अपन रो रहे हैं, है ना। सारे मतलब सारे अपन ने इमोशन जिए हैं भाई। ऐसा नहीं है पार्टी में तो पार्टी जा रहे हैं भाई, है ना, नाइट आउट्स पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपन जैसे कुछ लोग क्या बोलते हैं ना कि सब छोड़ना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली में छोड़ने की। आप मेरे ख्याल से आप कंसिस्टेंसी से बचना चाहते हो। अगर कोई लोग ऐसा बोलता है ना कि आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा, तो मुझे तो कभी फील नहीं हुआ कि मुझे सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दिन के सिर्फ 3 घंटे तो निकाल लें, 3 से 4 घंटे, उसमें आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि आप पार्टी नहीं करो या फिर सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, है ना। क्यों, मैं तो है ना रोज़ मीम देख रहा था, और गेट के एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही मैंने मीम देखे, बढ़िया मज़े करे हैं मैंने। तो ज़रूरत नहीं है, बात बस आती है कंसिस्टेंसी की। जो इंसान कंसिस्टेंट रहता है वो मुझे लगता है कि है ना बहुत ईजिली गेट ऐसा एग्ज़ाम है जो कि सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आपको ऐसा रिग्रेस पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो और बस 3-4 घंटे पढ़ो, और बाकी दिन उसको एनालाइज करते रहो, सबकॉन्शियस माइंड में एनालाइज होते रहते। जैसा बैडमिंटन खेल रहे हो, है ना, पार्टी वार्टी कर रहे हो, पब में जा रहे हो, तो भी है ना सबकॉन्शियस माइंड में चलता है, चीज़ें चलती हैं ना। तो इस तरीके से तैयारी करनी होती है। और मैं जैसे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं जैसे जर्नी में कि यार जैसे है ना बताओ कि आखिरी के 6 महीने में कैसे प्रिपेयर किया जाए, है ना, आखिरी के 3 महीने में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो मैं तो ये मानता हूँ कि देखो जो अपन सेम करते जा रहे हैं ना वही है। आप आखिरी के 3 महीने में घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अगर आप सोचते हो कि है ना मैं आखिरी के 1 महीने में ऐसा कुछ कर दूँ जिससे मेरी रैंक है ना 200-300 जंप हो जाए, है ना, ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको एक ग्रेजुअल मतलब ग्रेजुअली करना है। ऐसा नहीं है कि ना आखिरी बोलो कि आखिरी के 10 दिन मैं ना असिस्टेड सोशल मीडिया बंद कर दूंगा, दिन के 15-15 घंटे दूंगा और 4-7 घंटे सोऊंगा। नहीं नहीं, मैं तो हमेशा 8-9 घंटे सोया हूँ। जब मेरा मन करता था मैं सोता था, जब मेरा मन करता था मैं उठता था, जब मेरा मन करता था मैं पढ़ता था। पर ऐसा नहीं है कि है ना शेड्यूल बनाया अपन ने, कोई कंस्ट्रेंट नहीं रखता था कभी। मेरा मन कर रहा है मुझे कंपाइलर पढ़ना है तो कंपाइलर पढ़ना है, भाड़ में जाए कि कल कौन सा टेस्ट है, कल क्या है, जो मेरा मन कर रहा है वो मैं करूँ, है ना। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि है ना अपनी खुद की टीचर क्या बोल रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी भी नहीं मतलब AR1 क्या बोल रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे क्या मन कर रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे, मेरा मन कर रहा है कि मुझे प्रीवियस ईयर लगाना है, प्रीवियस ईयर लगाऊंगा। तो क्योंकि तुम्हें खुद को पता है एक्चुअली, आप सोचते हो कि सामने वाले को पता है ना, वो AR1 है तो उसको शायद पता होगा, कुछ अच्छा बोल रहा होगा। नहीं, आप अपने आप से पूछो ना, आपको समझ में आ जाएगा कि है ना आपके लिए क्या बेस्ट है। मैं जब भी सोचता था तो मुझे समझ में आता था कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट है, सामने वाला जो बोल रहा है वो अच्छा है बट बेस्ट नहीं है मेरे लिए, मेरे लिए बेस्ट वही है जो मैं सोचता हूँ। तो इस तरीके से सोचते सोचते ऐसे अपने आप को समझाते समझाते रोज़ मैं अपने रात को अपने आप को समझाता था कि देख यार चीज़ें हो जाएंगी, वक्त लगता है। कई बार ऐसा होता था कि रैंक नहीं आती थी, तो इसका मतलब कई बच्चे ये पूछते हैं कि यार सर अगर रैंक ना आए तो कैसे इसको रिकवर करें। तो रिकवर नहीं करना है, रैंक नहीं आया आपकी कोई बात नहीं, रैंक से फर्क ही नहीं पड़ता। अपन ने टेस्ट दिया, अपन के कुछ क्वेश्चन नहीं बने, है ना, अपन ने उसको एनालाइज किया कि कहाँ गलती करी कहाँ गलती करी, और अपने आपको समझाया कि अगली बार नहीं होनी चाहिए गलतियाँ, बस खत्म। और रैंक अपने आप बढ़ती है ना, इसमें ऐसे दुखी होता हूँ, मैं भी दुखी होता था, थोड़ा रोता था, लेकिन 1 घंटा रोया, रिकवर करा, वापस पढ़ने चालू हो गया, है ना। ऐसा नहीं कि यार दूसरों से पूछते फिर रहे हैं अपन कि भाई यार मतलब रैंक नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा है, तो तुम्हें पता है ना, मैं क्या बताऊँ उसको। अगर अपन किसी जैसे अपन किसी फेलियर से गुजरते हैं तो उसके आंसर आप खुद ढूंढा करो, या ये नहीं कि आप दूसरों से पूछ रहे हो, गूगल पे सर्च कर रहे हो कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो क्या करें, उसके क्या बताएं। उनको स्ट्रेंथ थोड़ी ना पता है आपकी, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है, अपनी वीकनेस पता है, उस पर वर्क करो और ऐसा रहो, चिल रहो यार, है ना। क्योंकि गेट ऐसा नहीं है कि आप है ना IAS की तैयारी कर रहे हो, इट्स अ वेरी बेसिक एग्ज़ाम, लॉजिकल एग्ज़ाम है, और नॉर्मली पढ़ोगे ना आप तो आई थिंक यू कैन डू वंडर्स। कि मैंने किया है, और मैंने कभी इस तरीके का प्रेशर फील नहीं किया कि मुझे है ना अपने इम्पॉर्टेंट हॉबीज़ को क्विट करना पड़े। मैं गेट के एक दिन पहले भी ऑस्ट्रेलियन ओपन देख रहा था, उसके 2 दिन पहले भी मैंने ना UCL के मैचेस देखे हैं, और वो सारे मैचेस देखे हैं, भले ही वो 3 रात के 3 बजे हो, सुबह 3 बजे हो, दोपहर में 3 बजे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैच है तो वो देखना है, अपन टाइम उस तरीके सेट कर सकते हैं, क्योंकि दिन के 3-4 घंटे मैं कभी भी निकाल सकता हूँ। 1 घंटा सुबह निकाल लिया, 2 घंटे शाम को निकाल लिए, फिर रात को सोते समय पहले बस हो गए 4 घंटे, इतना ही तो पढ़ना है ना, तो इतना तो इंसान कर सकता है आई थिंक। पर ऐसे ही करते करते यार हो गया ऐसा कुछ, मुझे कठिन तो लगा। आप अपने कुछ चैलेंजेस के बारे में बताएंगे, आपको कुछ आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे इस चैलेंजेस थे जैसे कि सबसे बड़ा चैलेंजेस या सबसे ज़्यादा चैलेंज तो ये था कि यार फैमिली की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर था, फैमिली और दोस्तों की तरफ से प्रेशर था कि यार भाई यार कोडिंग अच्छी है तेरी, मुझे प्लेसमेंट ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसा लोगों ने बोला, मेरे दोनों रूममेट्स थे शिवम और विशाल,
का 2020 LP का प्लेसमेंट लग चुका था और वो अगस्त में लग गया था, है ना। तो प्रेशर था हमेशा से, घर वाले बोलते थे कि यार इतनी पढ़ाई करी है, इतनी कोडिंग करी है, क्या जग मनाने के लिए करिए, है ना। सब लोग यही बोलते थे थोड़ा थोड़ा, मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, कि यार कैसा बेवकूफ इंसान है यार, कि यार कोडिंग करने के बाद भी यार प्लेसमेंट नहीं ले रहा है, मतलब गेट के फोकस कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों का गेट को देखने का नज़रिया गलत है। गेट को मैं इस तरीके से नहीं देखता था कि है ना मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, या फिर है ना मुझे प्लेसमेंट कम का मिला था मैंने गेट कर लिया। गेट को अपन इस तरीके से देखते थे कि क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना अंदर की हार्डवेयर, अपन को जब रिसर्च करना होता है तो अपन गेट करते हैं, ना कि इसलिए क्योंकि है ना अपन को ये प्लेसमेंट नहीं मिलता है ना। इस तरीके से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि गेट बहुत ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम है, और अगर अपन प्रॉपर स्ट्रैटेजी अपनाए तो हो सकता है। तो मैंने जब इनका प्लेसमेंट हुआ, मेरे दोस्तों का प्लेसमेंट हुआ, मेरे घर वालों से प्रेशर आया, तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला, मतलब घर वालों की बात तो मानी नहीं कभी, उनको बोला कि आपस मुझे विश्वास रखो, हो जाएगा, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। मेरे घर वाले भी काफ़ी सपोर्टिव थे, उन्होंने कहा कि ठीक है जो बोल रहा है शायद सही बोल रहा होगा, है ना। प्रेशर तो हमेशा से था, देखो प्रेशर तो होता ही है, अगर आप बोलोगे कि प्रेशर नहीं था तो देखो प्रेशर तो होता ही है, बट अब ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन किस तरीके से सोचते हैं, है ना। कई लोग उसको सोचते हैं कि यार सामने वाले शायद सही बोल रहे हैं, मैं ही गलत हूँ, लेकिन मैं सोचता था कि यार नहीं मैं सही हूँ, सामने वाले गलत हैं, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया के कितने लोग मेरे को गलत बोल रहे हैं, मेरा मन कह रहा है कि जो तू बोल कर रहा है वो सही कर रहा है, तो मैं कर रहा हूँ। और बस फिर है ना मैंने अपने दोस्तों को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि अच्छा हुआ तुम्हारा प्लेसमेंट, और अपन ने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा, मैंने कहा कि ठीक है हो जाएगा, उस चीज़ की टेंशन मत, अपन अपना फोकस कर दें। ऐसे ये चैलेंजेस थे, और भी चैलेंजेस थे यार, कि जैसे बीटेक की भी अपन को कई चीज़ें जैसे को पढ़नी पड़ती है ना, जैसे कि जैसे अब देखो अपन ना हर चीज़ को है ना एज अ नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं, पॉजिटिव में भी। अब कई लोग बोलते हैं कि कोविड आया, कई लोग ये बोल सकते हैं ऐसा अपन को सोच सकते हैं, क्या बोलते हैं एक्सक्यूज, क्योंकि कोविड आ गया था इसलिए है ना मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, है ना, कोई भी एक्सक्यूज दे सकते हैं, है ना। अभी तो अपने ऊपर है ना, अब जैसे मैंने इसको इस तरीके से देखा कि कोविड तो अच्छी बात है, कोविड नहीं था तो अच्छी बात है, है ना। अपन को हर चीज़ को एज अ उसको पॉजिटिव इंटेंट में कन्वर्ट करना होता है, ना कि हमेशा एक्सक्यूज देने होते हैं, क्योंकि आप एक्सक्यूज देते रहोगे तो एक्सक्यूज तो मैं भी हज़ार दे सकता हूँ, मेरे पास हज़ार एक्सक्यूज है, मेरे को माइग्रेन है बट स्टिल मैं करता था, माइग्रेन है तो क्या हुआ, दिन के 3 घंटे तो पढ़ सकता है ना तू, ठीक है 12 नहीं पढ़ सकता, 3-4 तो पढ़ सकता है ना, तो पढ़, है ना। कोविड है ठीक है तो घर जाके पढ़ाई कर, है ना, ठीक है। कई बहाने बोल सकते हैं लोग, और भी कई बहाने बोल सकते हैं कि जैसे कभी कभी इनको है ना जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, या फिर किसी शादी में जाना है, ये जाना है, वो जाना है, हाँ तो ठीक है ना, शादी में जाना है ना तो क्या पूरे दिन का तो नहीं होगा ना, 3 घंटे तो वहाँ से भी निकाल सकते हो ना आप बहाने बनाओगे तो 100 बहाने बना सकते हो, लेकिन जिसको करना होता है ना वो कर देता है। तो इस तरीके से अपन ऐसे करेंगे तो आई थिंक हो जाता है। चैलेंजेस तो देखो आते ही हैं यार, लेकिन करना पड़ता है देखो यार, है ना। उसके लिए अपन ये नहीं बोल सकते कि चैलेंजेस थे तो यार इसको ऐसा बहाना ले लिया अपन ने। जैसे कई लोग बोलते हैं, मुझे बोलूँगा, कई लोग बोलते हैं कि हमारा इस वजह से नहीं हो पाया, इस वजह से नहीं हो पाया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेनी पड़ेगी ना। आप ऐसे बोलते नहीं पड़ सकते लोग यार ये हो गया था मेरे संग। कई लोग बोलते हैं कि है ना हम मतलब गेट के लिए बैकअप इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि उस दिन एक्सीडेंट हो जाए हमारा, है ना। तो ऐसा तो एक्सीडेंट होगा तो दो ही बातें होंगी ना, या तो आप बच जाओगे या मर जाओगे, मर गए तो बात खत्म, बच गए तो गेट जाने जाओ। तो करना है देखो, अगर कुछ भी हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको अपन को पॉजिटिव इंटेंट में लेना है। कोविड हुआ है कोई बात नहीं, घर जाओ पढ़ाई करो, है ना। कोई भी चीज़ें हैं सिर्फ जोर से सारी ऑनलाइन अवेलेबल है, है ना, आप बहाने नहीं कर सकते। पैसे नहीं है आपके पास, RBR के फ्री लेक्चर्स पढ़े उनको देखो, पढ़ो NPTEL के फ्री लेक्चर्स पढ़े, NPTEL के तो बात मानोगे ना, वो टीचर्स तो ऑब्वियसली और लोगों से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, फ्री में है वो लेक्चर, वो देख के पढ़ाई करो। तो बहाने नहीं चलेंगे, करना पड़ता है। चैलेंजेस तो ठीक है फेस करेंगे, करते हैं हर कोई, करते हैं हो जाता है। चालू भी करा है कि नहीं? अबे अरे कितनी बढ़िया बात भाई, YouTube पे डाल दो। मैंने देखा था, बस मैंने देखा था।